मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समाध्यामि, यानी कि मूसा माने होता है झूठा और वादा माने बातचीत या वाद विवाद या वार्तालाप या वादी, यानी वादी बात करने वाला, उसके बारे में बार बार जिक्र करने वाला। तो भगवान ने एक सील यानी एक नियम ये भी दिया है, सभी के लिए है, क्योंकि ये पांच सील दुनिया में चलते हैं, पांच नियम दुनिया में है। ये मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए और सभी मनुष्य में आगे रखने के लिए ये नियम बहुत जरूरी है और इनको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि इनको मानने से लाभ तुरंत मिलता है। तो यहां मूसा वादा यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलने का सिद्धांत उन्होंने मेन सिद्धांतों में दिया है, उसका क्या कारण रहा और क्या उसका रहस्य और राज है। जब हम झूठ बोलने का काम शुरू करते हैं, झूठ का मतलब है असत्य, असत्य यानी जब हम सत्य से अगेंस्ट में सत्य के विपरीत कोई चीज बोलते हैं तो वो असत्य हो जाता है और असत्य को झूठ बोलते हैं। तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा लाभ है, पहला लाभ तो है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है वो हमेशा एक सा रहता है। आप सत्य बात करेंगे तो दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको याद नहीं है, जो घटनाक्रम जो चीज आपने देखी है वही आपको बतानी है और वो सबसे आसान होती है क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस में जाती है। दूसरा है कि आप अगर सत्य बोलेंगे तो सामने वाला चाहे बेशक झूठ बोलता है और बहुत बड़ा झूठवादी है, मूसावादी है, मगर अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप उसको भी प्रिय लगेंगे। यानी सत्य बोलने वाला असत्य बोलने वाले को भी प्रिय लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक कंपनी जो पूरे दिन झूठ बोलती है, इनकम टैक्स की चोरी करती है, सेल टैक्स की चोरी करती है, एक्साइज की चोरी करती है, तनख्वाह नहीं देती, उनकी कटौती करती है, सरकार से 500 तरह के फंड लेती है दिखाती नहीं है, माल कितने का परचेज करती है और कितने में बेचती है पूरी तरह से बताती नहीं है, उसके हिडन बहुत सारे जरिए होते हैं, मगर वो भी कंपनी ये कहती है कि मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे सत्यवादी होने चाहिए, एक भी उनमें मूसावादी नहीं होना चाहिए। और मेरा अकाउंटेंट, जिस अकाउंटेंट से वो झूठी रिपोर्टें बनवाते हैं, झूठी ATR बनवाते हैं, झूठी इनकम टैक्स की रिपोर्ट बनवाते हैं, झूठे बिल बनवाते हैं, उनको पास करवाते हैं, उनको वो अकाउंटेंट भी सच्चा चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़े अजीब सी विरोधाभास वाली बात है कि आप असत्य पर आधारित सारे काम कर रहे हैं मगर आपको सत्य लोग चाहिए। तो सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है कि असत्य भी उसको पसंद करता है और सत्य कभी असत्य को पसंद नहीं करता, यानी सत्य कभी नहीं चाहता कि असत्य उसके पास आए, झूठा उसके पास आए। तो इसलिए सत्य की ताकत को एक सेंटेंस से समझा जा सकता है कि जो सच बोलने वाले लोग होते हैं वो झूठे भी बोलने वाले लोगों को भी पसंद होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और भगवान ने, बुद्ध ने झूठ बोलने के बहुत सारे नुकसान बताए हैं। झूठ बोलने का नुकसान, आपका शरीर खराब हो जाएगा, जब आप झूठ बोलेंगे आपका जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका विश्वास है, वो खत्म हो जाएगा। झूठ अगर आपने बोला है तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि ये पकड़ा ना जाए। आप झूठ बोलने के 25 बहाने गढ़ेंगे और हर बहाना झूठा होगा क्योंकि वो गढ़े जाते हैं। आप जब आप झूठ बोलेंगे तो आपकी निगाहें खुद ब खुद उस व्यक्ति के सामने झुक जाएंगी, या आप हकला जाएंगे, या आपका शरीर टेढ़ा हो जाएगा, कांप जाएंगे, या आप सामने नहीं आएंगे। झूठ बोलने में सबसे बड़ा नुकसान होता है जब आप परिवार के अंदर झूठ बोलते हैं, तो आपका बच्चा जिसको आप चाहते हैं कि वो सत्यवादी बने, सत्य बोले, एक अच्छा इंसान बने, वो जीवन भर सत्यवादी या अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। वो आपसे झूठ बोले ना बोले, मगर वो ये जानता है कि झूठ बोलना कोई गलत काम नहीं है, पाप नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी माता, वो सब झूठ बोलते हैं, मेरे आपस में रिश्तेदार झूठ बोलते हैं, इसलिए ये जीवन का एक हिस्सा है, ये मानते हुए वो काम करेगा और वो अपनी जिंदगी को शुरू से ही खराब आचरण पे लाता हुआ चला जाएगा और बहुत जल्दी उसको ब्लड प्रेशर, शुगर और ये बीमारियां आके घेर लेंगी। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो इन बीमारियों से बहुत दूर रहेगा। धन्यवाद।